कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको घोस्ट मेंशन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आज मैं आपको इस मूवी की स्टोरी पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह तेहुन को अपने दोस्त होसोक की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। इस सीन में हम देखते हैं कि होसोक अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी बीच तेहुन सुबह उठकर जब फ्रिज खोलता है तो हम देखते हैं कि उसमें पड़ा सारा खाना बुरी तरह सड़ा हुआ था। फिर वो होसोक के उस कमरे में भी जाता है जहाँ जाने के लिए उसने तेहुन को मना किया था। दोस्तों, इस कमरे की दीवारों पे कई धब्बे लगे हुए थे और सामने टंगी फैमिली फोटो की बड़ी बुरी हालत हो रखी थी। उसे घर की ये हालत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए होसोक पूरे घर की सफाई के काम में लग जाता है। कुछ देर बाद जब होसोक बाहर से घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका घर पहले से काफी अलग दिख रहा था। दीवारें पहले से साफ थी, सामान अपनी जगह पे रखा हुआ था और ये सब देखकर होसोक गुस्से में लड़ने लगता है। ये सब होने के बाद तेहुन अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जब वो सीढ़ियों से नीचे उस कमरे की तरफ जाता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि फिर से वो कमरा बिल्कुल पहले की तरह गंदा हो गया था। इसके बाद तेहुन की नज़र होसोक के ऊपर पड़ती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। दोस्तों, जैसे ही वो अपने चेहरे से हाथ हटाता है तो हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा अगले दिन बड़ा ही घिनौना हो चुका था। उसका पूरा चेहरा सड़ा गला हो गया था और उसे देखकर तेहुन शॉक होकर पीछे होने लगता है और तभी उसके ठीक पीछे फैमिली पिक्चर्स में से दो मॉल्स के हाथ निकलकर उसे भी खींच लेते हैं और सीन वापस प्रेजेंट में आता है, यानी कि वो भी कुछ इस तरह इस मेंशन के अंदर मर गया होगा। खैर, प्रेजेंट में जीवू इस कहानी को सुनने के बाद मैनेजर से पूछता है कि क्या इस बिल्डिंग को किसी श्राप या जादू टोने से बनाया गया था। जवाब में मैनेजर उसे कहता है कि अगर तुम सच्चाई जानने के लिए इतने ही बेचैन हो तो खुद ही जाकर देख लो। मेंशन के रूम नंबर 1504 की कीज दे देता है। अब इसके बाद जीवू घबराया हुआ तो था, मगर फिर भी वो खुद उस कमरे के अंदर चले जाता है और यहाँ उसका सामना किसी आत्मा से तो नहीं हुआ, मगर उसे फर्श पे एक कैसेट गिरी हुई मिली थी जो कि मेंशन के मैनेजर की ही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की जेनी को देखते हैं जिसने जीवू को बर्थडे विश किया था। वो जीवू से नाराज थी क्योंकि उसने अपनी स्टोरी के चक्कर में अपना बर्थडे भी ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया था। फिर अचानक उसकी नज़र जीवू के सामान के ऊपर पड़ती है जिसमें पहले तीन चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स थी। वो बिना वक्त गवाए उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने की कोशिश करती है, मगर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन रिकॉर्डिंग्स में जेनी को सिर्फ जीवू की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उस मैनेजर की आवाज़ उसे किसी भी कैसेट में सुनने को नहीं मिली। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि जीवू की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीवू रूम नंबर 1504 में मिले रिकॉर्डिंग्स को प्ले करता है जिसमें उसी मैनेजर की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। इस बार वो मैनेजर उसे जो कहानी सुनाने वाला था वो उसकी खुद की थी। दोस्तों, वो मैनेजर उसे बताता है कि कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह इस मेंशन में आया था, लेकिन मैं यहाँ किसी स्टोरी को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के साथ चोरी करने आया था। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम मैनेजर और उसके दोस्त को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे हुए थे। अब आगे हमें पता चलता है कि वो यहाँ इसलिए चोरी करने आए थे क्योंकि मैनेजर के दोस्त को अपनी मॉम के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। वो दोनों रात के अंधेरे में उसी कमरा नंबर 1504 में जाते हैं, तभी अचानक मैनेजर के दोस्त को उस कमरे की अलमारी से किसी के बाल बाहर निकलते दिखाई देते हैं, लेकिन मैनेजर उसकी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था। ये सब होने के बाद मैनेजर का दोस्त डरा हुआ था और वो बस यहाँ से वापस जाना चाहता था। इसके बाद उन दोनों को इस रूम में कल्ट के लीडर की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। ये बॉडी सड़ चुकी थी, इसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और उसे कपड़े से ढका हुआ था। मैनेजर उसे देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मैनेजर उस बॉडी के मुंह में हाथ डालकर उसमें से एक चाबी बाहर निकालता है। इसके बाद वो मैनेजर सीधा उस अलमारी को खोल देता है, मगर उसके खुलने के बाद उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अलमारी में हाथ डालने के बाद उसके हाथ कुछ पैसे लगते हैं जिन्हें देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो और पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दोस्त को कोई हलचल महसूस होती है और जैसे ही वो अपनी नज़र उस मरे हुए आदमी की तरफ घुमाता है तभी अचानक मैनेजर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से फटाफट पैसे उठाकर भागने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी नज़र उन्हीं पैरों के ऊपर पड़ती है जिनमें घुंघरू बंधे हुए थे। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो कांपते हुए उस कमरे के बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो बचकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, मगर यहाँ वो चाबी ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे
गाड़ी में भी घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसका दोस्त यानी मैनेजर उसकी गाड़ी में बैठकर उसे कहता है कि मैंने उस अलमारी में उसे देखा, क्या तुम भी देखना चाहते हो। और इसी के साथ मैनेजर की जगह वहाँ वो भूत बैठा नजर आता है। वो मैनेजर के दोस्त को गाड़ी में ही मार डालता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस शिफ्ट होता है और हम जीवू को देखते हैं जो मैनेजर की इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। दोस्तों इसके बाद उस मैनेजर की आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम भी देखना चाहते हो। फिर अचानक जीवू खुद को उस अलमारी के सामने खड़ा नजर आता है। वो सस्पेंस के साथ अंधेरे से भरी अलमारी के अंदर देख ही रहा था कि तभी वो भूत उसके पीछे खड़ा नजर आता है और जीवू डर के मारे अलमारी के अंदर घुस जाता है। इसके बाद अलमारी का दरवाजा भी बंद हो जाता है और जीवू भी उसमें कैद हो जाता है। हमें वो मैनेजर वहाँ बाहर खड़ा दिखता है और इस बार वो जीवू में बदल जाता है और अलमारी में कैद जीवू पागलों की तरह उसे बाहर निकलने के लिए कहता रह जाता है। लास्ट सीन में हम जैनी को देखते हैं जो कि जीवू को ढूंढते हुए इस मेंशन में आई थी। इस बार उसके पीछे भी वही बच्चा खड़ा था और उसके सामने जीवू बनकर वही भूत खड़ा होता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी का कोई अगला पार्ट भी बनेगा? वेल, अगर ऐसा हुआ तो मैं वो भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो और ये फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और मेरे छोटू से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं इससे भी ज्यादा डरावनी मूवीज को एक्सप्लेन करती रहूं। दोस्तों प्लीज आप मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। बाय बाय।